जिस हिसाब से कहा गया था, जिस मोदी है आतंकवादियों का पहला कोर्ट में एयर स्ट्राइक, बहुत सारा जोश लोगों में हम नहीं देख पा रहे हैं। एक लाख से ऊपर भीड़ है, अंदर लाखों की जगह करोड़ों की भीड़ हो सकती थी, लेकिन वेदर के कारण नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत धूप है, बहुत तेज धूप है। स्वागत है आपका भारत वॉइस पे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतर रहा है भर में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियों की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद लोग अलग अलग तरीके से उनको सुनेंगे। नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली स्थल में पहुंच चुके हैं, उनका हेलीकॉप्टर आ गया है और अब हम सीधा उसी अंदर मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या बोला, बहुत सारे लोगों से हम बात भी करेंगे, वो यहाँ रैली में क्यों आए हैं। तो हमने गेट से एंट्री कर ली और अब हम प्रधानमंत्री की उस रैली के स्टेज तक पहुंचने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच इस वक्त चल रही है। पश्चिमी यूपी के कोने कोने से, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पधारे आप सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। दिल्ली ही नहीं, दुनिया का मीडिया पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसे भी 2019 का जनादेश देखना हो वो इस जनसलाब को देख सकता है। वो बहुत ही जोरदार भाषण दे रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर महागठबंधन तक पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसी वक्त उनकी रैली से लोग बड़ी संख्या में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग उनकी रैली को आए थे सुनने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये वापसी वाला एग्जिट गेट है और लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके का सुनने का लोगों में क्रेज था, वो क्रेज थोड़ा कम हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी बात है, पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों का जो जोश होता है वो एक अनोखा और एक अलग प्रकार का होता है। फिर पहले हमने योगी आदित्यनाथ को सुना कि कैसे वो भाषण दे रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुर्सियां बहुत सारी खाली पड़ी हुई थी। अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच चल रही है, पीछे विजय संकल्प रैली को लेकर पीएम मोदी अपनी स्पीच दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं। लेकिन अब इसको जरा अलग तरीके से देखिए, सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? जिस हिसाब से कहा गया था, जिस हिसाब से बात कही गई थी और ये कहा गया था कि लोग पहुंचेंगे और फिर पश्चिमी यूपी में जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है, योगी आदित्यनाथ का जलवा है, वैसा बहुत सारा जोश
लोगों में हम नहीं देख पा रहे हैं। मोदी से ज्यादा बढ़िया किसी ने काम नहीं किया। मोदी की स्पीच चल रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? देश है जो है वो ये देश का बचाएगा। भाषण चल रहा है, पीएम मोदी जी का भाषण चल रहा है, तो क्यों नहीं सुन रहे? ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, भाइयों बहनों, आपका वोटिंग 11 अप्रैल को है ना, इनको उत्तर प्रदेश के भाग्य से कोई लेना देना है क्या? 11 अप्रैल को जब देश पहला वोट डालेगा, जब पहली बार वोट डालने वाला हमारा युवा बूथ में जाएगा तो वो ईवीएम। यार आपको क्या लगता है, अंदर थे आप? हाँ अंदर थे। कितनी भीड़ होगी अंदाजन आंकड़ों में अगर बताएं तो? होगी कम से कम 4-5 लाख थे। भैया एक युवा हो जी, आपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, उसमें क्या कुछ नई चीज आपको सुनने को मिली? सबली नई चीज है, हम चाहते हैं कि मोदी को बनाओ। 2019 में 14 में भी जीते थे और 19 में भी आने चाहिए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कितनी भीड़ होगी? भाषण सुना आपने, बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ नई कुछ नई चीज क्या सुनने को मिली आपको? कुछ नई बात जो आपको और प्रभावित करती हो? हुआ है मोहम्मद पेपर में आया है, हमारा जो देश है 4th नंबर में आर्थिक व्यवस्था में हुआ जी। कितनी भीड़ होगी अंदर? लाखों की भीड़ है, लाखों अंदर लाखों की, जिला करोड़ों की भीड़ हो सकती थी, लेकिन वेदर के कारण नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत धूप है, बहुत तेज धूप है। आप जनता क्यों परेशान है भाई? हमारा तो 2000 में गुजारा हो रहा है, हमारा 2000 में गुजारा हो रहा है महीने का। आम जनता परेशान है, इनका चुप बैठा रहे। कितनी भीड़ होगी अंदर? आप करीब 1 लाख में भीड़, 1 लाख से ऊपर भीड़ है। शेर का बच्चा है। कितनी भीड़ होगी? बहुत ही भीड़ है, 2 लाख के करीब है, 2 लाख के करीब ज्यादा होगी। अन सके इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आप संख्या की बात कर रहे हैं, आप ये जनसैला आप देख सकते हैं कि हमें बताने का परिचय नहीं देना पड़ेगा। आप चारों तरफ कैमरा घुमाइए, जितनी संख्या पंडाल के अंदर है उतनी ही संख्या शायद हमारी सड़कों पर है। और आप हमसे पूछते हैं कि कितनी संख्या में थे आप? बिल्कुल रैली में थे। आज उनके भाषण में कौन सी नई चीज आपको सुनने को मिली? साहब मोदी जहाँ भी आता है वहाँ करिश्मा करता है, और जो करता है वो करके दिखाता है। अब की बार फिर मोदी सरकार। कितनी भीड़ होगी इस रैली? अरे भीड़ बेतुकी, बेतुकी भीड़। भीड़ का देखो तो आंकलन होता है, लेकिन इसका तो आंकलन ही नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। अपनी कारी से कितनी भीड़ रही होगी रैली में बता सकते हैं क्या? यहाँ से विजय होके मोदी जी के साथ हंगी। समर में लगभग 3.5 लाख लोगों ने अपने उपस्थिति दर्ज कराई।